आज हम बनाएंगे नींबू का पाउडर। नींबू का पाउडर घर में बना के रख लें तो ये बहुत बेहतर होता है। इनका इस्तेमाल बहुत चीज़ों में होता है, और अगर इसको फिंगर चिप्स में डालें और ड्राई रोस्ट चिकन में डालें, इंशाल्लाह हम आपको डिश बनाएंगे और बताएंगे उसमें इसका इस्तेमाल किन डिशों में किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं नींबू का पाउडर। जब नींबू सस्ते हों तब आप इनको ज़्यादा तादाद में ले लें और इनका बना के रख लें, तब तो बहुत ही बेहतर है। तो नींबू का पाउडर बनाने के लिए हमने लिए हैं इस वक्त 5 नींबू, और इसको हमने इसको अच्छे से धो के प्लेट में रख लिया है। अब हम इसको काटेंगे। सबसे पहले हमने जो नींबू लिए हैं उसको हमें उसकी ऐसे पतली पतली हमको स्लाइस काटनी है, क्योंकि जितनी पतली स्लाइस होगी उतना जल्दी ये सूखेगा। तकरीबन सारे नींबू को हमने काट लिया है। सारे नींबू को हमने काट लिया है और इसके बीज जो हमें दिख रहे हैं उसको हमें हटा देना है। अब हम इसको धूप में रख देंगे और जब ये सूख जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। नींबू को हमने 4 दिन तेज धूप में सुखाया है। ये देखिए इस तरीके से टूटा जा रहा है। अब हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करके आपको इसका पाउडर बना के दिखाते हैं। हमने मिक्सर में नींबू को ग्राइंड कर लिया है। अब देखिए इसका ये पाउडर बन गया है। इसको हम एक छन्नी में पलट के हम छान लेंगे। इस तरीके से हम इसको छान रहे हैं। नींबू का पाउडर बन के रेडी है, और ये देखिए जो इसका नींबू का छिलका होता है, तो ये इसका ये मोटा मोटा हिस्सा छन्नी में आया है, तो इसको हमें फेंक देना है। और इस नींबू के पाउडर को एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रखें, और इसका इस्तेमाल जिन चीज़ों में, जिन डिशेस में आप करना चाहते हैं करें, सूप में करें, रोस्टेड फ्राई में करें, किसी भी चीज़ों में आप इनका इस्तेमाल करें, तो आप इसको ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरा ये टिप्स कैसा लगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।